सब्सक्राइब करें मेरे चैनल DTH न्यूज अब तक को और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप सभी का मेरे चैनल से DTH न्यूज अब तक में स्वागत है। तो मित्रों आज मैं जो है आपको MPG2 सेटअप बॉक्स का एक ऐसा फॉल्ट बताऊंगा कि यदि आपका डिस्क जो है तो सही पोजीशन में सेट भी है तो आपका नो सिग्नल मित्रों क्यों आता है तो आपको मैं बताता हूँ। तो क्या होता है मित्रों कि जैसे आप देख सकते हैं मेरे टीवी स्क्रीन पर मैंने MPG2 सेटअप बॉक्स जो है चालू किया हुआ है और इसमें समस्या में मित्रों आती है कि ये ऑटोमेटिक जो है तो मास्टर रीसेट हो जाता है और जब मास्टर रीसेट हो जाता है तो आपको टीवी स्क्रीन पर जो है नो सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। मित्रों आपको बता देता हूँ मित्रों कि ये प्रॉब्लम है आपको कैसे आता है। तो मित्रों प्लीज़ आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ मित्रों लाइक और शेयर भी कर दें। तो मित्रों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये MPG2 सेटअप बॉक्स जो है तो ऑटोमेटिक मास्टर रीसेट होने पर आप क्या करें और आप अपने डिस्क को जो है तो बार बार जो है यदि एक बार फिक्स कर चुके हैं तो बार बार आपको डिस्क से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों तो एक चीज़ मतलब आप याद रखिएगा कि मित्रों आपको बता देता हूँ कभी यदि आपके बॉक्स पर नो सिग्नल की समस्या आती है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको रिमोट से जो है सिग्नल बटन प्रेस करना है और सबसे पहले मित्रों आपको चेक करना है इसका सिंबल रेट। ये आप देख सकते हैं मित्रों DTH का कोई भी चैनल है कोई भी TP है तो सबसे पहले आपको मित्रों सिंबल रेट चेक करना है सिग्नल का बटन प्रेस करके। तो आपका सिंबल रेट यदि 275 होगा इस लास्ट में जो है कुछ भी हो लेकिन शुरू में जो है तो यदि 275 होगा तो आप कितना भी अपने डिस्क को मूव करेंगे तो आपका सिग्नल नहीं आएगा। तो ये क्यों होता है मित्रों, क्या होता है ये आपका बॉक्स जो है MPG2 सेटअप बॉक्स ये ऑटोमेटिक जो है मास्टर रीसेट हो जाता है और अधिकतर ये समस्या इस समय जो है हर बॉक्स में इस MPG2 वाले सेटअप बॉक्स में मित्रों आती ही है ये समस्या। तो मित्रों आप याद रखिएगा जो ये सिंबल रेट है तो आपको सिग्नल बटन प्रेस कर देना है और सिंबल रेट जो है आपको याद रखना है कि यदि 295 है तब तो ठीक है आप अपने डिस्क को मूव करके और अपना सिग्नल सेट कर सकते हैं लेकिन यदि ये सिंबल रेट आपका 275 है तो आपका कितना भी डिस्क को अपने मूव करेंगे सिग्नल आपका नहीं आएगा। मित्रों ये प्रॉब्लम कैसे आती है तो आपको बता देता हूँ मित्रों। तो जैसे आप देख सकते हैं मित्रों मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मित्रों हम जाते हैं सिस्टम सेटिंग में और ये आप देख सकते हैं एक सेकंड नंबर में रिज्यूम डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है तो ये यही मास्टर रीसेट कहलाता है मित्रों। तो यही जो है ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि ये देखिए बॉक्स जो है तो रीसेट हो चुका है और आप देखेंगे कि आपको ये चैनल जो है तो आपके TV स्क्रीन पर दिखने लगेंगे आप देख सकते हैं मित्रों और आप इसी चैनल पर जो है तो सिग्नल बनाना शुरू कर देते हैं। और आपको मित्रों अब मैं दिखाता हूँ सिग्नल, देखिए ये 275 मित्रों ये आ चुका है और आप अपने डिस्क को जो है जितना भी मूव करेंगे कितना भी हिलाएंगे तो आपका सिग्नल सेट नहीं होगा। तो इसको मित्रों इसका सोल्यूशन क्या है तो आपको क्या करना है मित्रों आपको बता देता हूँ। यदि आपने अपने डिस्क को जो है तो मूव नहीं किया है तो आपको क्या करना है मित्रों कि मेनू प्रेस करना है और आपको जाना है प्रोग्राम एडिट में और डिलीट ऑल, सबसे पहले आपको डिलीट ऑल कर देना है और इसके बाद आपको मित्रों क्या करना है कि ये प्रोग्राम सेटअप जो है उसमें जाना है और सिंपल सा आपको अपने बॉक्स को आपको ये ऑटो ट्यून कर देना है। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि ये जो MPG2 वाला सेटअप बॉक्स है ये ऑटोमेटिक ट्यून होना शुरू हो जाएगा और जब सिग्नल जो है तो जीरो से आप देख सकते हैं ये पट्टी चल रही है ये 0 से 100 तक जब हो जाएगा तो आपके TV चैनल्स जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मित्रों आप देख सकते हैं चैनल्स जो है तो स्कैन होना शुरू हो चुका है और आप मित्रों याद रखिएगा और मैं आपको एक TP डिटेल भी दे दूंगा कि उसको आप याद रखिएगा और उस TP को आप ऐड करके अपने इस सेटअप बॉक्स पर और चेक कर सकते हैं कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है और फिर आप जो है अपने डिस्क को इधर उधर मूव करके और अपना DD3 डिस्क का सिग्नल जो है तो मित्रों बना सकते हैं। तो मित्रों मैंने आपको जो जानकारी दी है तो ये जो सेटअप बॉक्स है मैं कहीं भी इस समय यदि जाता हूँ तो ये समस्या अधिकतर डिश से कम लेकिन बॉक्स से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मित्रों आप देख सकते हैं ये बॉक्स जो है हमको मार्केट में आसानी से 400 से 500 रुपए में मित्रों मिल जाता है और ये बॉक्स जो है अधिकतर मित्र जो है हमारे इसी बॉक्स का उपयोग करते हैं क्योंकि ये बॉक्स सस्ता मिल जाता है और आजकल MPG4 सेटअप बॉक्स भी आने लगे हैं और जिसमें कि कई सारे हमको फंक्शन मिल जाते हैं जिसमें कि आप वाईफाई डोंगल वगैरह लगा के उसमें पायर चैनल्स भी देख सकते हैं साथ में यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हैं। तो मित्रों आप देख सकते हैं ये ऑटो स्कैन अभी हो रहा है और मित्रों चलिए मैं बैक कर देता हूँ और ये मित्रों मैं बैक ये चैनल लिस्ट जो है तो आ चुके हैं
और आप देख सकते हैं इन चैनल्स को जो है। तो मित्रों अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो नो सिग्नल का प्रॉब्लम है आपको कैसे आता है, तो आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यदि आपको टीपी डाल के भी सेट करना है तो आप ये प्रोग्राम सेटअप में जाइए और ऐड न्यू प्रोग्राम में जाइए। और मित्रों सबसे पहले ये जो है 5150 है, इसको आपको देख सकते हैं कोई भी टीपी जो है, आप किसी भी चैनल का या टीपी सिग्नल का बटन प्रेस करके। और मित्रों याद रखिएगा, ये इस टीपी को याद रखिएगा और ये टीपी आप ऐड करके और तो भी सिग्नल चेक कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।